हेलो गाइस, वेलकम टू एके आईटी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है उसकी आज क्लास नंबर 7 है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टेबल को हम किस तरह यूज़ करते हैं एचटीएमएल के अंदर, ठीक है, और हम किस तरह टेबल बना सकते हैं। उससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और शॉर्ट कोर्सेज भी फ्रीलांसिंग के हवाले से मिलते रहेंगे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बना के दिखाया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारी सारी क्लासेस चल रही हैं। और अगर आपने पूरे क्लासेस नहीं देख रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से जाके उसको ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं इसको ओपन विथ कोड कर लेता हूँ, यहाँ से ओपन विथ कोड करके अब मेरा ये वाला फोल्डर कोड के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे अपने कोड के अंदर इसको मैंने ओपन कर लिया है। ये कोड के अंदर मेरा फोल्डर जो है ये ओपन हो चुका है, ठीक है। जल्दी से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसका मैं नाम रखूंगा ट्यूटोरियल नंबर सेवन, ठीक है, .html, ट्यूटोरियल नंबर 7 .html इसका मैंने नाम रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फाइल बनकर आ चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इस फाइल के अंदर लाके बॉयलर प्लेट लगाऊंगा, यानी कि शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करूँगा तो ये हमारी एक बॉयलर प्लेट आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और याला पैनल जो है यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट यहाँ से इसका चेंज करता हूँ, इसके अंदर मैं लिखूँगा हाउ टू यूज टेबल इन HTML, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया हाउ टू यूज़ टेबल इन HTML या हाउ टू यूज़ इंसर्ट टेबल इन HTML, या आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं जाके इसको यहाँ से अपनी फाइल को रन करता हूँ। यहाँ पे फाइल आ चुकी है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी ये फाइल ट्यूटोरियल नंबर 7। इसको मैं ओपन विथ गूगल क्रोम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है, यहाँ पर लिख के आ चुका है हाउ टू यूज़ टेबल इन HTML। अब जल्दी से हमें क्या करना है कि एक टेबल क्या होता है, एक टेबल को हम अगर गूगल सर्च करूंगा, यहाँ पे आके मैंने न्यू टैब खोला, मैं लिखता हूँ टेबल, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये याली टेबल नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, इमेजेस में अगर देखूँ नहीं भाई, याली टेबल नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML, टेबल इन HTML। तो ये देखें, टेबल जो होता है ना, बेसिकली अगर जैसे कोई टाइम टेबल हो, ठीक है, तो वो हम HTML के ज़रिए बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे फुल नेम, ठीक है, फाउंडर, ये टेबल हम बना के एक देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, नंबर, फुल नेम और पोजीशन, सैलरी, ये सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक टेबल यहाँ पर हमारे पास आ गया है, यहाँ से मैं इसको बंद कर दूँ, ठीक है। टेबल बेसिकली ये होता है कि हम उसके अंदर कुछ भी अपना शेड्यूल बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने फुल नेम, फिर उसका फिर नाम स्टीव जॉब, लैरी पेज, ये सारा इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। तो जल्दी से हम एक सिंपल सा एक टेबल बना के देखते हैं। चलो मैं आपको यही टेबल बना के दिखाता हूँ HTML की मदद से। आपको यही जो टेबल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यही मैं आपको यहाँ से बना के दिखाऊँगा अभी। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे लिखना है टेबल का एक टैग आता है हमारे पास टेबल, ठीक है। टेबल लिखा, जैसे एंटर किया, इसके अंदर हमें लिखना होता है, एक होता है टेबल हेड, टेबल हेड, ठीक है, और एक होता है टेबल बॉडी, टी बॉडी, टेबल बॉडी, ठीक है। दो हमारे पास होते हैं, एक टी हेड होता है और एक टेबल बॉडी, यानी कि टेबल के अंदर हेड और टेबल के अंदर टेबल की बॉडी, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, टी हेड के अंदर हम लिखेंगे टी आर, यानी कि टी आर का मतलब होता है टेबल रो, ठीक है, टेबल रो। टी आर के अंदर आता है हमारे पास टी एच, टी एच के अंदर क्या होता है टेबल हेडिंग। अब टेबल हेडिंग के अंदर हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है नंबर, फुल नेम, पोजिशन एंड सैलरी, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, ठीक है। जल्दी से यहाँ से इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। मैंने यहाँ पे चार दफा नंबर और दूसरा क्या था, नेम था आई थिंक, हाँ फुल नेम, पोजीशन एंड सैलरी। तो जल्दी से मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ फुल नेम पोजीशन और दूसरा क्या है सैलरी, ठीक है। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टेबल लिया, ठीक है। मैं यहाँ से अब क्या करूँगा, एक टेबल लिया, टेबल के अंदर टी हेड लिया, टी हेड का मतलब टेबल का हेड जो है ऊपर है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टेबल का क्या है, ये ऊपर वाला सेक्शन, ये टेबल का हेड है, ठीक है। तो इसी तरह HTML के अंदर भी ये होता है, ये टेबल का हेड बन रहा है। अब मैं अपनी फाइल में अगर जाके इसको रिफ्रेश करूँ यहाँ से, तो देखें ये आ चुका है नंबर, फुल नेम, नेम, पोजीशन एंड सैलरी, यहाँ पर कुछ इस तरह आ रहा है। इसको अभी हम अरेंज भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली TR के अंदर, ठीक है। अब इसके नीचे आएगा क्या, टेबल बॉडी, यानी कि टेबल बॉडी के अंदर क्या आएगा, इसी को मैं यहीं से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, बल्कि इसको मैं यहाँ से कॉपी नहीं करता, यहाँ ही पे लिख लूँगा TR, लिखूँगा पहले टेबल रो, फिर इसके अंदर आएगा TD, यानी कि TD का मतलब होता है टेबल डेटा, ठीक है। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, TR का मतलब टेबल रो, TH का मतलब टेबल की हेडिंग जो आ रही है, और TD का मतलब टेबल का डेटा, टेबल के अंदर कंटेंट क्या है, ठीक है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन्होंने क्या लिखा हुआ था, याला हम जो टेबल बना रहे हैं इसके अंदर हमने लिखा हुआ था नंबर में 1, 2, 3, 4 बिल गेट, स्टीव जॉब, लैरी पेज, मार्क ज़करबर्ग, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे लिख लूँगा, इसके अंदर मैं लिखूँगा नंबर 1, इसको कॉपी करूँगा यहीं से, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर लिखते हैं बिल गेट्स फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, ठीक है। टेबल डेटा आ गया हमारे पास, फिर दोबारा से फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और तीसरी चीज़ थी हमारे पास सैलरी, इसकी सैलरी कितनी है भाई, तो यहाँ पे लिखी हुई है $1,000, ठीक है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे लिख दूँगा $1,000, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप देखें, जैसे ही मैं फाइल के अंदर आया, ये इस तरह से कुछ आ चुका है, नेम नंबर भाई आ गया, कि नेम है इसका बिल गेट, ठीक है, नाम आ गया इसका बिल गेट है। यहाँ पे मैं आपको बोल जूम करता हूँ, ठीक है। पोजीशन आ गई इसकी फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सैलरी आ गई इसकी ये, ठीक है। तो इसी तरह अब हम क्या करना है कि सारी कुछ ये लिख लेंगे हम, तो मैं इसको यहीं से कॉपी करूँगा कंट्रोल सी, और यहाँ नीचे ला के इसको पेस्ट कर दूँगा। चार दफ़ा मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो इसका मैं जल्दी जल्दी नाम चेंज कर दूँगा। दूसरा हमारे पास क्या था, यहाँ से मैं देख लेता हूँ, दूसरा स्टीव जॉब फाउंडर एप्पल, $1,200 इसकी डॉलर सैलरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ पे इसका नाम आएगा स्टीव जॉब्स फाउंडर ऑफ एप्पल, ठीक है। और इसकी सैलरी $1,200, ठीक है। तो यहाँ पे आप जल्दी से जाके देखते हैं, तो ये आ चुका है नंबर 1 आ गया बिल गेट्स, बल्कि मैंने यहाँ पर गलत कर दिया भाई, यहाँ पर मेरे को याला हटा के इसकी जगह रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। 1, 2 एंड यहाँ पे मैं 3 दोबारा से लगा लूँगा इसको कॉपी करके, ठीक है। तो जल्दी से हमें तीसरा क्या था, हमारे पास तीसरा आ जाता है लैरी पेज फाउंडर गूगल, $1,100 इसकी डॉलर सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका नंबर 3, नाम आ जाएगा इसका लैरी पेज, ठीक है, फाउंडर ऑफ गूगल, भाई गूगल का फाउंडर है, ठीक है। और इसकी सैलरी है $1,100, ठीक है। और चौथा आखिरी क्या था हमारे पास, मार्क ज़करबर्ग फाउंडर फेसबुक, 1,300 इसकी
डॉलर्स की सैलरी, ठीक है। तो नंबर फोर, इसका नाम की स्पेलिंग मार्क जकरबर्ग, ठीक है। जल्दी मैंने लिख दिया, स्पेलिंग को गौर नहीं करिएगा आप। फाउंडर ऑफ फेसबुक, और इसकी कुछ भी हम लिख लेते हैं यहाँ से 1300, ठीक है। तो अब देखें कितनी आसानी से हमने, जल्दी से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे सारा कुछ हमने डेटा टेबल की फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। तो देखें नंबर आ गया नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, फुल नेम आ गया बिल गेट, इसकी वो आ गई क्या नाम है, पोजीशन आ गई फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सैलरी आ गई $1000, स्टीव जॉब फाउंडर ऑफ एप्पल, सैलरी $1200, लैरी पेज फाउंडर ऑफ गूगल $1100 की सैलरी, ठीक है। इस तरह से हम कुछ भी टेबल बना सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे एक टेबल बना के दिखाया, हम ऐसे कस्टमाइज टेबल भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि भाई ये टेबल तो इतना अच्छा खूबसूरत सा दिख रहा है, यहाँ पे इसकी ये बॉर्डर वगैरह लगे हुए हैं, ये इसमें कुछ, ये तो बिल्कुल हमारा जो हमने बनाया बिल्कुल बेकार सा लग रहा है। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि हमें CSS यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम CSS को बिल्कुल नहीं देखेंगे क्योंकि वो थोड़ी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि टेबल क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, इमेज वगैरह ये सारी चीज़ें। बाकी इसको कस्टमाइज हम करना बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। देखें जैसे मैं आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिखाता हूँ, AKIT एक्सपर्ट, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो इस पर देखें, ये मैंने ही बनाई हुई है, इस पर किस तरह से ये होवर हो रहा है, यहाँ पे मेरी तस्वीर भी लगी हुई है, किस तरह से चल रही है वेबसाइट पूरी, ठीक है। और ये हमने HTML, CSS और सिंपली JavaScript के थ्रू बनाई है, कुछ इसमें कुछ और चीज़ें हमने यूज़ नहीं करी, ठीक है। किस तरह इसमें एनिमेशन हो रही है देखें, जैसे यहाँ पे ये कर्सर आता है तो ये एनिमेट हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम CSS के थ्रू करेंगे। और अब और इसकी एक ख़ास बात यह भी है कि ये रिस्पॉन्स दिए, जैसे मैं इंस्पेक्ट पर क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल छोटे साइज़ में कुछ इस तरह दिखती है, यहाँ पे ये नेव बार बन जाती है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये सारे मेन्यू यहाँ से निकल के आते, ठीक है। तो इस तरह हम वेबसाइट बना सकते हैं बिल्कुल सिंपली। ये मैंने आपको एक सिंपली एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बना के दिखाया है, और आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।